वैसे तो मेरा मन जो था, मैं पुराना भाषण देने की उसमें थी कि मैं हमेशा जो बोलती हूँ, पर थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि आजकल इनेलो के अंदर, इनेलो के ही कुछ लोगों के द्वारा जो एक संकट पैदा किया है, जो एक चट्टान की तरह मजबूत हमारी पार्टी थी, मैं कहती हूँ शायद किसी की इस पार्टी को ना बुरी नजर ही लग गई, जो दीमक की तरह कुछ 15 चुनिंदा लोगों ने जो एक जहर फैलाने का काम किया आज इस पार्टी को, पर मैं कहती हूँ कुछ चुनिंदा लोगों ने इस चट्टान जैसी पार्टी को दीमक की तरह जहर घोल के आज उस दुराई पे लाके खड़ा कर दिया कि हम खुद आज इतने मतलब असमंजस में आ चुके हैं कि पता नहीं इस पार्टी को किसकी बुरी नजर लगी। पार्टी में आप लोगों का खून पसीने की कमाई है आज ये नैलो जो है, इसमें कोई जुम्मे 4 दिन आके कोई राज कर ले तो उससे कोई आप ये थोड़ा नहीं भी जो पुराने हमारे कार्यकर्ता आप उनको निकालते फिरोगे, इसका मतलब जो आज इसमें हरी चुनरी के चौपाल में जो लोग आए हुए हैं क्या आप उन सबको नोटिस थमाओगे? बिल्कुल नहीं, ये इनेलो है और अजय सिंह जी ने 40 साल इस इनेलो को दिए और एकजुटता बनाए रखेंगे और हम इन लोगों को जो ये 15 लोग राज की भूख में इस पार्टी को खराब करने पे तुले हुए हैं, मैं आप सबसे कहूंगी कि उन 15 लोगों को आप पार्टी से बाहर निकालने का काम करो ताकि उनको पता चले कि ये चट्टान जैसी पार्टी आप लोगों के आप 15 लोगों से खराब नहीं होगी, ये तो चोईदेव लाल का बट वृक्ष है, ये ऐसे ही आबाद रहेगा और इसमें हर दिन नई टहनी निकलेगी और नया फूल लगेगा। कि मेरे बच्चों के साथ जो किया है उस चीज के लिए मैं तो बिल्कुल इस मतलब अंतर से मेरे तकलीफ होती है कि इतने अनुशासित बच्चों को आप अनुशासनहीनता का जो नोटिस दे रहे हो ना, वो उससे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना इनेलो को कोई, पर मुझे लगता है कोने में माँ होने के नाते मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा तकलीफ है कि देखो जिसके बाप ने 40 साल जाती थी, लेकिन आज जो है कहीं ना कहीं प्रोग्राम जो है अजय चौटाला से और दुष्यंत चौटाला के बीच में प्रोग्राम है जो चौटाला जी के नेतृत्व में है, ऐसा हमारे मन में कुछ नहीं है। इनेलो का प्रोग्राम मैडम आज वो कौन लोग हैं जो इनेलो को तोड़ वक्त आने पे सब पता चल जाएगा, नाम लेने की जरूरत नहीं है। पहले भी ऐसे काम कर रहे थे, आप ये बता दो कि तीनों ने हम लोगों ने कहा काम किया है, ये हमारा 4वां मैदान है हरी चुनरी की चौपाल का और ये ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी है, उनका नेतृत्व है और चौधरी देवीलाल जी का लगाया बहुत बड़ा बढ़ोतरी है, हम तो एक छोटी छोटी टहनियाँ उनमें, जब तक सारी टहनियाँ मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक पेड़ छाया नहीं देगा, तो हम लोग तो काम करेंगे ऐसे करके। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में क्या कुछ चल रहा है वह पूरे प्रदेश के सामने है और आज इसी को लेकर जो है करनाल पहुंचे थे युवा इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला और आप तस्वीरें समय देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 14 में स्थित इनेलो नेता मोहसिन चौधरी के निवास स्थान पर दुष्यंत चौटाला पहुंचे हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से 2 से 3 दिन पहले जब इनकी जो मदर है दुष्यंत चौटाला की नैना चौटाला वो भी जो है करनाल के गक्सीना गांव में चुनरी चौपाल कार्यक्रम के तहत जो हरियाणा भर में जा रही हैं करनाल के गक्सीना गांव में पहुंची थी और आपने उनकी ये स्पीच सुनी है, आप उनकी स्पीच सुन के अंदाजा लगाएंगे कि किस तरह से नैना चौटाला ने वहां पर ये खुद कहा था कि कुछ 10 से 15 लोग ऐसे हैं जो पार्टी को खराब कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वह नहीं चाहते कि उनके बेटे जो हैं वो आगे बढ़े और कहीं ना कहीं हम आपको बताना चाहेंगे कि उन्होंने ये भी स्पष्ट तौर पर मंच से कहा था कि उनके बेटों का कोई कसूर नहीं है जो उनको सस्पेंड किया गया है और कहीं ना कहीं उनके प्रति एक साजिश भी जो है की जा रही है, उन्होंने अपनी तरफ से अपना कोई पद उन्होंने नहीं मांगा था लेकिन उसके बावजूद भी उनके बेटों के साथ ऐसा हो रहा है, तो ये नैना चौटाला का कहना था। कमल मिड्डा करनाल विकी न्यूज करनाल। मुहिम चलाने का जो श्रेय जाता है वो सिर्फ और सिर्फ
के विधायक श्री जगरूप सिंह संधू जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि वो एक स्मृति चिन्ह भेंट करके सभी का बहुत ही अभिनंदन है जो आप सब यहाँ पर पधारे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप मैडम जो मुबारक भाई प्रोग्राम की बढ़िया आपको बधाई मैं तो कहूंगा गरुड़ वाली टीम को और साथ में करना वाली टीम सबको बधाई। मैं पंपिंग मैं बता दूंगा जी आपको व्हाट्सएप करेंगे जल सिंह बस लेके नेशनल लोकदल पार्टी में जो परिवारवाद को लेकर एक राजनीति देखने को मिल रही है उसको लेकर जो है हम आपको बताना चाहेंगे। आज की ये जो खबर आपने देखी कि किस तरह से जो दो दिन पहले जो नैना चौटाला करनाल पहुंची थी उन्होंने मंच के माध्यम से यह सब कुछ कहा और आज करनाल में पहुंचे थे दुष्यंत चौटाला, हालांकि कुछ देर के लिए ही वह करनाल के सेक्टर 14 में स्थित इनेलो नेता मोहसिन चौधरी के निवास स्थान पर पहुंचे थे। उनसे हालांकि मीडिया ने करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने सवाल पूछा लेकिन उन्होंने ऑन कैमरा कुछ भी बातचीत करने से मना कर दिया। उन्होंने सीधे और साफ स्पष्टों में यह कहा कि वह सस्पेंडेड है, जिसके चलते आप उनकी हालत समझ सकते हैं, जिसके चलते वह मीडिया में कहीं भी कोई भी बयान नहीं दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इससे आने वाले चुनावों में हो सकता है पार्टी को नुकसान जरूर हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपसी परिवारवाद की राजनीति को लेकर आपने देखा कि जिस तरह से दुष्यंत चौटाला का जो स्वभाव था, जो उन्होंने मीडिया में कुछ भी नहीं बोला, वह भी कहीं ना कहीं दबाव में चल रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरह से यह साफ तौर पर कहा कि वह सस्पेंडेड है, जिसके चलते वह कोई भी बयान जो है मीडिया में नहीं दे रहे हैं, उससे बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनेलो परिवार में क्या कुछ चल रहा है वह बहरहाल सभी के सामने है, लेकिन जब तक इसको सही नहीं किया जाता तब तक जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में हम आपको बताना चाहेंगे कि कई बार जो है विपक्षी पार्टियों के नेता, चाहे बीजेपी पार्टी के रामविलास शर्मा हो मंत्री हो या कांग्रेस के नेता या मंत्री हो, वो भी जो है लगातार इनेलो पार्टी पर इनेलो परिवार की जो राजनीतिक लड़ाई जो चल रही है उस पर भी जो है कई दिनों से जो है निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो लगातार जो है मीडिया की सुर्खियों में भी छाया हुआ है। कमल मीडिया करनाल ब्रेकिंग न्यूज करनाल। मैं ये कहूंगी कि वैसे तो मेरा मन जो था मैं पुराना भाषण देने की उसमें थी कि मैं हमेशा जो बोलती हूँ, पर थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि आजकल इनेलो के अंदर इनेलो के ही कुछ लोगों के द्वारा जो एक संकट पैदा किया है, जो एक चट्टान की तरह मजबूत हमारी पार्टी थी, मैं कहती हूँ शायद किसी की इस पार्टी को ना बुरी नजर ही लग गई, जो दीमक की तरह कुछ 15 चुनिंदा लोगों ने जो एक जहर फैलाने का काम किया आज इस पार्टी को, ये नहीं सोचा कि हमारे चौटाला साहब अजय सिंह जी एक बहुत ही मतलब उन्होंने तो कांग्रेस ने उनके ऊपर इतना बड़ा अत्याचार करके उनको जेल में डाल दिया और पीछे से जो ये पार्टी को संभालने का काम किया था सबने मिलकर एक एक इनेलो के कार्यकर्ता ने जो 4 साल में इस पार्टी को एक परिवार की तरह एक मतलब मैं कहती हूँ जैसे पूरा गांव मिलजुल के चलते वैसे पूरे हरियाणा में मिलजुल के इस पार्टी को चट्टान की तरह 4 साल में दोबारा खड़ा रखा, क्योंकि उनके मुखिया जो थे वो जेल में थे, अजय सिंह जेल में थे, पर मैं कहती हूँ कुछ चुनिंदा लोगों ने इस चट्टान जैसी पार्टी को दीमक की तरह जहर घोल के आज उस
दोहराए पे लाके खड़ा कर दिया कि हम खुद आज इतने मतलब ऐसे पंजस में आ चुके हैं कि पता नहीं इस पार्टी को किसकी बुरी नजर लगी। फिर भी मैं आप लोगों को एक बात कहूंगी कि जिस तरह आज आप लोग डट के और खुल के आप हमारे साथ आए हो, मैं आपको ये सोचूंगी कि मैं आपने मुझे ना एक कर्जा दे दिया उसकी मैं हमेशा आप लोगों की हकदार रहूंगी। जिन बच्चों ने 4 साल कभी मतलब उन्होंने मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चों ने कभी पद की कोई कामना की है, मैं तो नहीं सोचती कभी भी ना उन्होंने अपने मुख से कभी ये बात कही कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। पता नहीं लोगों ने कहा ये जहर बोल बोल के मतलब एक उस दुराई पे लाके खड़ा कर दिया। क्या नारे लगाने में आप लोगों से मैं पूछने आई हूँ आज एक बात, क्या नारे लगाना अनुशासनहीनता है क्या? क्या पार्टी के लिए संगठन को मजबूत करना अनुशासनहीनता है? तो क्या जेल जाना भी अनुशासनहीनता है? तो फिर अपने आज आप नारे लगा रहे, क्या ये अनुशासनहीनता है नारे लगाना? पार्टी में नारे लगे क्यों? किसी ने मुद्दा बात तो नहीं कहा किसी ने? क्यों उन बच्चों के पीछे इतना जहर बोला गया है? मैं आप लोगों से जवाब मांगने आई हूँ सारी चुनरी की चौपाल के माध्यम से। मैं कहती हूँ जिन बच्चों ने कभी किसी के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी 4 साल के पीरियड में जितनी भी मेरी माताएं बहने मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, आज नौजवान बच्चे खड़े, मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या कभी दुष्यंत दिग्विजय ने आप लोगों के साथ मिसबिहेव किया? बस रुकी की तो फिर क्यों उन लोगों को ऐसे मतलब पार्टी के लिए दिन रात काम करो? पार्टी के लिए काम करो, दिन रात अपना अपना सब कुछ नौछावर करो, पार्टी के करिए कार्यकर्ता एकजुट रहो और जहां उनके पक्ष में कोई नौजवान बच्चा भी मिल गया उनको गाली गलौज, उनको पार्टी से निकाला जा रहा है। जो जैसे राजेंद्र लिताड़ी की भाई साहब है उनका तो मुझे लगता है खून भी आ रहा है, उनका वो चोई देवीलाल के साथ लगे थे। मुझे तकलीफ होती है चीज की कि जो भी सिंह के साथ खड़ा हो गया उसी को पार्टी से निकाल रहे, क्यों ऐसे? क्या सब इन एमएलओं के एकजुट कार्य करते हैं? इसमें क्या अजय सिंह और क्या अभय सिंह और क्या चौटाला सा? मैं कहती हूँ एक पार्टी है, जब तक इस पार्टी के एकजुटता होके हम काम नहीं करेंगे तब तक राज नहीं आ सकता। परिवार तभी चलते जब परिवार के सारे लोग इकट्ठे हो, उन्हीं भाइयों का नाम होते समाज में जो लंबे टाइम तक परिवार को इकट्ठा लेके जाते हैं। अगर तुम एकदम शादी होती अलग अलग हो जाओ ना समाज में उनको कोई नहीं जानता, तो इस पार्टी को भी लोगों का खून पसीने की कमाई है। आज ये मेलो जो है इसमें कोई जुम्मे जुम्मे 4 दिन आके कोई राज कर ले तो उससे कोई आप ये थोड़ा ना भी जो पुराने हमारे कार्यकर्ता आप उनको निकालते फिरोगे। इसका मतलब जो आज इसमें हरी चुनरी के चौपाल में जो लोग आए हैं क्या आप उन सबको नोटिस मांगे? बिल्कुल नहीं। ये इनेलो है और अजय सिंह जी ने 40 साल इस इनेलो को दिए। ये जो ये देवीलाल ने लगाया हुआ एक बट वृक्ष का पौधा है, चोई देवीलाल ने अपने खून पसीने से अपने लोगों के व्यवहार से इस पेड़ को खड़ा किया इन महलों का, और अजय सिंह जी ने अपनी सहनशीलता और धैर्य से इस पौधे में दिन रात मेहनत करके चौटाला साहब ने अपनी कार्यशैली से उनके अनुशासन से ये पार्टी 15 साल हो गए बिना राज के फिर भी पार्टी ऐसे की ऐसी चल रही है। मैं आप लोगों से कहूंगी कि इस पार्टी को हम बिल्कुल नहीं खराब होने देंगे और एकजुटता बनाए रखेंगे, और हम इन लोगों को जो ये 15 लोग राज की भूख में इस पार्टी को खराब करने पे तुले हुए हैं, मैं आप सबसे कहूंगी कि उन 15 लोगों को आप पार्टी से बाहर निकालने का काम करो ताकि उनको पता चले कि चट्टान जैसी पार्टी आप लोगों के आप 15 लोगों से खराब नहीं होगी। ये तो चौधरी लाल का बट वृक्ष है, ये ऐसे ही आबाद रहेगा और इसमें हर दिन नई टहनी निकलेगी और नया फूल लगेगा। मैं आप लोगों से कहूंगी कि आप जितने भी मेरी माताएं और बहनें, जितने भी हमारे बुजुर्ग आए हुए हैं, नौजवान बच्चे आए हैं, आप डट के काम करो और अजय सिंह जी दिवाली पे आते ही ये दूध का दूध और पानी का पानी सारा हो जाएगा। अगर हम आज मोदी सरकार ने तो एक नारा दे रखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं ये कहती हूँ कि आज के समाज में हर जगह ये नारा है।
देश के कोने कोने में दे रखा है कि बेटियां पढ़ाओ और बेटी बचाओ। मैं कहती हूँ कहाँ तो चार साल के राज में मेरी माता और बहनें से इसकी गवाह है कि कितनी बेटियां सुरक्षित है। आए दिन हमारी 2 साल की बेटी, 4 साल की बेटी, कोई 65 साल की औरत नहीं छोड़ी, कोई 40 साल, आए दिन महिलाओं पर अत्याचार और गैंगरेप हो रहे हैं। अगर बात हम महिला की शिक्षा की करें तो सभी माता और बहने गवाह है कि हमारे 4 साल की इस बीजेपी के शासन में कोई भी महिला कॉलेज नहीं पढ़ा, कोई भी महिला को सरकारी नौकरी नहीं मिली, कोई भी महिलाओं को रोजगार का साधन सरकार ने मुहैया कराने का काम नहीं किया। मैं ये कहती हूँ कि आप इनेलो का राज बनाओ। आपको ये देखना आप लोगों की मैं एक बीच में आपसे मैं ये कहती हूँ, मैं पहले कहती थी मैं कि महिलाओं की मैं बिचौलन बन के आई हूँ, पर मैं कहती हूँ आज मैं आपसे कह के जाऊंगी माता और बहनों से कि मैं आपका एक पक्का बीच में वकील हूँ, मैं आपकी सुनवाई करूंगी। जब भी महिलाओं का राज आएगा 2019 में, मैं महिलाओं के लिए मेरी बड़ी मतलब सोची हुई है, मैंने ये सोच रखा है बिल्कुल कि जब भी महिलाओं का 2019 में राज आएगा हम छोटी छोटी महिलाओं के लिए लघु उद्योग लगाएंगे जिससे महिलाएं अपना रोजगार का साधन ढूंढ सके। जितनी भी महिलाओं के जवान बच्चे और नौजवान बच्चे उन सबको हम लोग रोजगार देंगे। और हमारी उसमें सरकार की जो सरकार बनने पे हम लोगों ने योजनाएं रखी है उसमें यही है कि जो माता और बहनों की पेंशन है जो चोई देवीलाल ने शुरू की थी 100 रुपए से लेकर, वो पेंशन हम लोग बुढ़ापा पेंशन योजना जो है वो बढ़ाकर 3,000 रुपए हम लोग कर देंगे। ट्यूबवेल का बिजली का बिल जो है वो पूरा आप लोगों का माफ कर दिया जाएगा। घर का बिजली का बिल जो हम लोग गर्मियों में बहुत ही, वैसे तो बिजली रहती नहीं इसमें बीजेपी के राज में, इनेलो के राज में पहले भी बिजली रहती थी, 2019 के बाद में भी राज आने के बाद में बिजली रहेगी, तो बिजली का बिल जो है वो घरों का वो आधा कर दिया जाएगा। सरकार आने पर गरीब की कन्या की शादी में 5,00,000 रुपए कन्यादान देंगे और हर घर के एक नौजवान बच्चे को एक बच्ची को रोजगार देने का इनेलो सरकार काम करेगी। किसान और मजदूर का जो कर्जा है वो इनेलो का राज आने पे माफ कर दिया जाएगा। और एक नारा जो मैं कहूंगी, आज एक माँ होने के नाते हो सकता है मुझे शायद बहुत ही चीज की तकलीफ है कि मेरे बच्चों के साथ जो किया है उस चीज के लिए मैं तो बिल्कुल इस मतलब अंतर से मेरी तकलीफ होती है कि इतने अनुशासित बच्चों को आप अनुशासनहीनता का जो नोटिस दे रहे हो ना वो उससे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना इनेलो में कोई, पर मुझे लगता है कोने में माँ होने के नाते मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा तकलीफ है कि देखो जिसके बाप ने 40 साल राजनीति करके उस आदमी ने चेतना यात्रा की थी 600 किलोमीटर तक वो आदमी अजय सिंह जी पैदल चलेकर, कभी उन्होंने तो 4 साल राज करके उनको सीएम पद की भूख होगी, अजय सिंह जी ने तो कभी 40 साल में ये बात नहीं कही कि मुझे सीएम बनाओ मुझे सीएम बनाओ है। दुष्यंत को आप लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है आज के दिन, आप लोग ऐसे ही दुष्यंत के साथ कंधे से कंधा मिला के उसका हौसला बढ़ाओ, उसके साथ रहो और उसका साथ दो, क्योंकि आप लोगों के समय पे एक माँ मैं तो दुआ दे सकती हूँ अपने बेटे को, उसकी अच्छी खुशियां मांग सकती हूँ, उसकी सुरक्षा की कामना कर सकती हूँ, पर ये राजपाट ये राजनीति जो है ना वो घरों से नहीं चलती कभी भी, तो ड्राइंग रूम से मैं दुष्यंत को कुछ आगे नहीं निकाल सकती, ये राजनीति जो चलती है वो आप लोगों की बदौलत ही कोई राजनीति कर सकता है। आप लोग दुष्यंत का साथ दो और मैं कहती हूँ हाथ खड़े करके मुझे कहो कि जहां दुष्यंत वहां हम, पहले ये लोग नोटिस देते हैं दुष्यंत को, दिग्विजय को नोटिस देते हैं और नोटिस देने के बाद में अजय सिंह को रातों रात एक महासचिव के पद से हटाया जाता है अजय सिंह जी को, और दूसरे दिन सुबह ऐसे क्या ना पड़े मत की भाई अजय सिंह को आप वापस ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, कहीं ना कहीं आप लोग झूठे हो ना, इस पार्टी को दिमाग कितने खा गए ये लोग। मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को जब ये
लोग आपके बीच में आएंगे सब, आप इनको सबक सिखाने का काम करो कि जो घर आप लोगों ने इनेलो के लिए बोला है वो इनेलो पार्टी आज भी सोई ओम प्रकाश जी के नेतृत्व में चट्टान की तरह मजबूत है। उन 15 लोगों से पार्टी नहीं टूटेगी और कभी नहीं टूटेगी। तो बस मैं आज इतना ही बोलूंगी, यहाँ जितने भी नौजवान बच्चे आए हैं बीजेपी के कार्यशैली जो है, आप खुद इस चीज के गवाह हो कि जितने भी हरियाणा सरकार के कर्मचारी हैं, आज हर कर्मचारी सड़कों पे उतरा हुआ है क्योंकि उनको किसी को तनख्वाह नहीं मिल रही, किसी को प्रमोशन नहीं मिल रही। तो आप ये सोचो कि इस सरकार का तो बहुत ज्यादा बुरा हाल हो चुका है। तो इसीलिए मैं माता और बहनों से कहती हूँ कि मातृ शक्ति जो होती है वो सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि एक नारी जो है वो घर भी संभालती है, ससुराल भी संभालती है और बाहर का भी काम कर सकती है। और माताओं बहनों, हमारे साथ जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है, क्योंकि हमारे पास एक हमारे अलग से गांधी हुआ करती थी महिलाओं की, वो नोटबंदी की मार जो देश के प्रधानमंत्री ने हम महिलाओं के साथ की थी, क्योंकि हम महिलाएं अपनी बहन बेटियों के लिए थोड़ा सा पैसा अलग छुपा के रखते थे क्योंकि बेटी आएगी जब हम उसको किसी से मांगना ना पड़े। पर इस जुल्मी ने हमारी जो एक गांठी होती थी वो नोटबंदी की मार करके वो भी हमारे से ले ली। और मैं आपसे वादा करके कह रही हूँ कि जैसे ही इनेलो का राज आएगा, आपके एक एक, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, मैं औरत का दुख भली भांति जानती हूँ, आपके महिलाओं के जितने भी छोटे छोटे काम है, जितने भी रोजगार के काम है, जितने भी आपके बच्चों की शिक्षा का काम है, जितने भी आपके मतलब जो नौकरी करते हैं उनके कोई और काम है, उन सब के काम करवाने के लिए आपके बीच में मैं सदैव रहूंगी। बस मुझे आप लोगों को यही हौसला और जुनून हमेशा दुष्यंत और अजय जी के साथ थी, क्योंकि दुष्यंत को आप लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी के साथ यहाँ आए हैं सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा।